अस्सलाम वालेकुम। आप लोग भी मेरी तरह सोच रहे होंगे कि भाई ये सुबह सुबह बकरे की आवाज क्यों आई है, मुर्गे की क्यों नहीं आई। सीन ऐसा है कि चांद नजर आ गया, 9 दिन रह गए, बड़ी ईद आने वाली है, तो अब आपको हर जगह से यही आवाजें सुनाई देगी। हमने भी कजन के थ्रू हैदराबाद से बकरी मंगवाई है और वो कराची आ चुकी है। अभी वो मेरे कजन के प्लॉट में मौजूद है, तो हमारा काम ये है कि उसको उस प्लॉट से अपने घर लेके आना। अस्सलाम वालेकुम। यार अब्दा, वो बकरे आ गए प्लॉट में खड़े, आके ले जाना। अभी हम जा रहे हैं कजन लोगों के प्लॉट में। मुहम्मद मुहम्मद रहमतुल लिल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन। भाई प्लॉट तो आ चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह ताला लगा हुआ है भाई, अंदर सोना है। अभी कॉल करके बुलाते हैं। फाइनली भाई कज़न के प्लॉट आ चुके हैं और बकरी ये खड़ी हुई है। अभी आप लोगों को मैं सही से नहीं दिखाऊंगा, घर जाके दिखाऊंगा आपको बकरी सही। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इनके जानवर भी आ चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? अयान। ये क्या कर रहे हो आप लोग गाय के साथ? ये प्यार कर रहे हैं इनसे। अच्छा चलो करो करो। ये गाय खाना नहीं खा रही है, लोग नमक दे रहे हैं इसको ताकि खाना खाए। आराम से भाई। चले भाई अभी चलते हैं घर, और बकरी को भी लेके जाना है आपसे, डायरेक्ट वहीं पे मिलते हैं। 2000 years later। भाई बकरी हम लेके आ चुके हैं, लेकिन उस बकरी के साथ, देखो आपको बकरी दिखाता हूँ, लेकिन उस बकरी के साथ हमें एक प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा गिफ्ट मिला है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। وظننت انا اني بذلك حست غنى فوجدت اني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلاشى. هي هماري پرانی بکری ہے, माशाल्लाह। इसको अभी खाना दे देते हैं, सफ़र करके आई है लंबा। जैसे कि आप लोगों ने देखा बकरी आ गई है, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, मुझे पसंद आई है, आप लोगों को भी पसंद आई होगी। और उसके साथ जो वो प्यारा सा क्यूट सा गिफ्ट मिला है हमें, वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। लंबे सफ़र से आई है, पानी रख दिए, खाना रख दिया है, अभी वो रेस्ट करेगी, थोड़ा चिल मारेगी, फिर इंशाल्लाह उसको बाहर निकालेंगे, उसके साथ खेलेंगे। अभी मैं भी ऊपर जा रहा हूँ घर। मैं घर आ गया हूँ, मैंने खाना भी खा लिया, बकरियाँ भी अभी नीचे, खाना वगैरह खाया, पानी पिया, अभी रेस्ट करने बैठे हैं, लंबे सफ़र से आए। इंशाल्लाह वो थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर इंशाल्लाह उनको बाहर निकालेंगे, रात में घुमाएंगे। और अगर मंडी का सीन भी बना तो इंशाल्लाह मैं ब्लॉग बनाऊंगा, बछड़ा लेने हम जाएंगे। लेकिन अभी मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, जिंदगी रही तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। तो सीन ऐसा है कि बकरा ईद आने वाली है, तो सीन ऐसा है कि बड़ी ईद आने वाली है, तो सीन ऐसा है कि